हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक्टिपल 2। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, क्या इनके दिल और दिमाग में कल रात चलता रहा आपको लेकर, या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर, या ओवरऑल कल रात इन्होंने आपको सोचा भी या नहीं सोचा। तो ये जो ढेर सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं, उन्हीं सवालों का जवाब देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, उसके अलग गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिरकर आप ही के पास आनी है, फिर चाहे वो किसी भी वे में किसी भी तरीके से क्यों ना आपके पास आए। ठीक है, तो देखने जा रहे हैं कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे, क्या इनके मन में इनके दिल में चलता रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स बताइए, कल रात इस पर्सन के मन में क्या चलता रहा। टेम्परेंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है डेथ। सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर आ गई हैं जो आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। नंबर मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर 9 और 13 ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, यानी कि सितंबर मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से या डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो अच्छे वे में जुड़े हुए हों या बुरे वे में जुड़े हुए हों, एज इन कि 9 महीने से 13 महीने से आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, तो ऐसे आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने हैं। तो सवाल पर आते हैं कि कल रात इनकी क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है इनकी। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है विद दिस नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि ये पर्सन कल रात सोए नहीं हैं। जैसे कि ये कल रात पूरी रात रोते रहे हो, परेशान रहे हो, काफ़ी डिप्रेस्ड रहे हो, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन इनकी अपने आप पर उतर रही हो, वो एनर्जीज दिख रही है। जैसे कि नींद नहीं आ रही है तो उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन होने लगी हो इन्हें, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। उसकी वजह मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, जैसे कि नींद ना आने की, जैसे इन्हें ये लग रहा हो कि इनकी लाइफ में सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, सब चीज़ों का एंड हो गया है, उस चीज़ का डिप्रेशन इनके मन में चल रहा हो कि इन्होंने सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने ही कदमों के नीचे कुचल दिया है, वो चीज़ें ने परेशान कर रही थी, यानी कि इनका आपके साथ जो भी रिश्ता था पास्ट में, उस विषय में इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा था, ऐसा इनके मन में चल रहा था कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते का कत्ल, इसको ख़त्म इन्होंने खुद से अपने कदमों के नीचे मार कर दबा कर कर दिया है। वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी और वो चीज़ें इन्हें काफ़ी परेशान कर रही थी, रुला रही थी। इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बुरे कर्माज को खुद से क्रिएट करा है, मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी हस्ती खेलती दुनिया को
मैंने कहीं ना कहीं बैलेंस में लाने की बजाय खुद से मैंने इसको ख़त्म कर दिया, खुद से मैंने इसे बदल दिया है और डेफिनेटली इस चीज़ का करमा मुझे डेफिनेटली मिलेगा। यानी कि एक ऐसा इन्हें फील हो रहा था जैसे कि जो इन्होंने करा आपके साथ, जो इन्होंने साइकिल क्रिएट करी है, उसका बोझ भार ही अपने कंधों पर लिए बैठे रहे और उसके बारे में ये सोचते रहे कि कहीं ना कहीं इनसे ही सारी गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने कुछ डिसीजंस आग पे पट्टी बांध कर ले लिए, इन्होंने चार लोगों की बातों में आकर गलत फैसले ले लिए और इसी रीज़न की वजह से इन्होंने अपने बुरे कर्मास बनाए और अपनी किस्मत को इन्होंने बुरे वक्त की तरफ पलट दिया। जैसे सही तरफ पहिया घूम रहा था और इन्होंने बुरे लोगों की संगत में आकर, गलत लोगों की बातों में आकर अपनी लाइफ को गलत डायरेक्शन में बदल दिया है और इस रीज़न की वजह से अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ऐसा इनके मन में कल रात चलता रहा, जिसे सोच सोच कर काफ़ी इनका दिल परेशान रहा, काफ़ी लॉस हुआ हुआ इन्होंने फील करा और डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कल रात जैसे कि ये जो अब अकेले बैठे हैं एक डरी हुई डिप्रेस्ड एनर्जी में, एक लॉस हुई हुई एनर्जीज़ में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से और यही चीज़ें इन्हें अकेला कर गई हैं, तो वो चीज़ें इन्हें परेशान कर रही थी और वो चीज़ें इन्हें इस लिमिट तक परेशान कर रही थी कि इस चीज़ के लिए इनके गॉड, इनके यूनिवर्स, इनके डिवाइन, जिस भी खुदा में आप बिलीव करते हैं, वो भी इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। वो चीज़ें सोच सोच कर ये पर्सन डिप्रेस्ड हो रहे थे, जैसे अपना माथा पीट रहे हों। इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि जो हुआ उन चीज़ों को अब ये कैसे बदलें, कैसे ये अपने आप को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करें, डिफेंड करें, कैसे उस चीज़ के लिए लड़ें, स्टैंड लें, तो वो चीज़ें भी इनके मन में साथ में चलती रही हैं। यानी कि इनके मन में ये तो था कि हाँ, मैंने खुद से अपने रिश्ते में, अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ों को ख़त्म करा है, लेकिन अब जब मैं अकेला रह गया हूँ या रह गई हूँ, तो उस चीज़ से मैं कैसे अपने आप को बचाऊँ, अपने आप को गार्ड करूँ, तो काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में भी ये पर्सन कल रात रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इतने डिप्रेस्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं ये आपको ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हो सोशल मीडिया पर, क्योंकि मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब ये रहे हैं। मेंटली इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि अगर ये हील होना चाहते हैं, अगर ये बैलेंस एनर्जी में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। तो ये पर्सन सोशल मीडिया पर जैसे एक सहारा ढूंढ रहे हों, तो वो यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें आप भी शामिल थे, इनके दोस्त यार भी शामिल थे। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन इतने डिप्रेस्ड रहे हैं कल रात कि इन्होंने अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी दोस्त यार से बात भी करी हो इस विषय में कि इन्हें नींद नहीं आ रही है, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी लॉस हुआ हुआ इन्हें फील हो रहा है। इनके मन में इस तरह के थॉट आ रहे थे कि जैसे कि ये क्या कर दें, क्या ना कर दें। मतलब एक होता है ना, इंसान इतना परेशान है कि उसे नींद नहीं आ रही और समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब अल्टीमेटली ऐसे हालातों में आकर फंस गया हूं या फंस गई हूं, जहां से वॉक अवे भी नहीं कर पा रहा या पा रही और जहां से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा या पा रही। इनके मन में कल रात इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, जिसका रियलाइजेशन इन्हें देर से हुआ है, इतनी देर से हुआ है कि एज एन कि इन्हें जब इस रिश्ते को या जब चीज़ें ख़त्म हो रही थी, इन्हें जितनी स्पीड से इसकी लीड लेनी थी, इन्होंने उतना ही अपने घोड़े को, अपनी चाल को, अपनी सोच को स्लो कर लिया। तो वो चीज़ें ये पर्सन कल रात बेहद ज़्यादा सोच रहे थे, यानी कि इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि देर तो हुई हुई, लेकिन साथ में अपने आप को इन्होंने स्लो भी बहुत ज़्यादा कर लिया। इतना ज़्यादा इन्होंने स्लो कर लिया कि ये तो स्लो हो गए और आपने स्पीड पकड़ ली, आपने अपनी लीड ले ली और आप कहीं ना कहीं अपने ट्रैक पे आ गए, एज एन आप अपनी लाइफ को हैंडल करने की एनर्जी में आ गए हो। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात बेहद ज़्यादा चली हैं। इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि इन्होंने इतनी चीज़ों को तोड़ दिया है, इतनी चीज़ों का डेथ कर दिया है कि अब ये भरोसे लायक भी नहीं रहे हैं, यानी कि जल्द कोई इन पर भरोसा नहीं कर पाएगा, तो वो भी इनके मन में चल रहा था। और वो उसकी वजह ये थी क्योंकि ये काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जी में थे, काफ़ी परेशान एनर्जी में थे, जिस रीज़न की वजह से वो नेगेटिव ही था और इन्हें ऐसा लग रहा था कि अल्टीमेटली अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि इस पर्सन को ये लग रहा हो कि कितनी लंबी रात है, रात ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, कब सुबह होगी, कब ये अपने आप को बैलेंस्ड कर पाएंगे, कब ये बाहर निकल पाएंगे। तो इन्हें जैसे जहाँ पर ये रह रहे हैं, जिस कमरे में ये हैं, वहाँ पर जैसे इन्हें घुटन जैसी फील हो रही हो, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के मामले में कल रात क्या सोच रही इनकी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है बेसिकली कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, एक वक्त पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे, एज एन सिर्फ अपनी अपनी सोच रहे थे, अपनी ग्रोथ, अपना पैसा, अपना परिवार, उन सब चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा सोच रहे थे बजाय आपके। और हर चीज़ को ये पर्सन ऐसे लेकर देख रहे थे कि इनको कितना नफ़ा और कितना नुकसान है, और इसी रीज़न की वजह से इन्होंने अपने बुरे कर्मास बनाए, इन्होंने अपनी किस्मत को बदल डाला, एज एन इन्होंने अपनी किस्मत को खुद से डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मतलबी होना भी इंसान के लिए गलत साबित होता है, उस चीज़ का रियलाइज़ इन्हें कल रात बेहद ज़्यादा हो रहा था। ये चीज़ें हैं, एक वक्त पर इन्होंने सिर्फ अपने अपने सोचने के चक्कर में ना काफ़ी लोगों को नुकसान भी पहुँचाया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनके मन में कल रात चली हैं। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स के मामले में कल रात क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है इनकी, गाइड कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि कल रात एज इन की इन्होंने बहुत काम करा, लेकिन सिर्फ अपने आप को ध्यान में रखकर इन्होंने बहुत काम करा, बहुत वर्क करा, लेकिन इस वर्क को करने के लिए इन्होंने बहुत से दिल भी तोड़े हैं, बहुत से लोगों को डिप्रेस्ड भी करा है, बहुत से लोगों को खोया भी है, और उसी की वजह से, उन्हीं की हाई की वजह से, या उन्हीं को अपनी लाइफ से निकालने की वजह से इनकी मेहनत पर भी यहाँ पर पानी फिरा है। यानी कि मुझे पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि इस पर्सन की लाइफ में किसी तरह के लॉसेस चल रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जिसके पीछे ये भाग रहे थे उससे रिलेटेड किसी तरह का नुकसान इन्हें हुआ है, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे थे और उस चीज़ को रिलेट कर रहे थे औरों के दिल के तोड़ने के मामले में, या अपने आप को मतलबी ये पर्सन खुद से समझ रहे थे, ये एनर्जीज दिख रही है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है कि इस पर्सन को काफ़ी कुछ देना पड़ रहा हो जो इन्होंने अभी तक अर्न करा है, जो इन्होंने मेहनत करी है वो इनसे दिया नहीं जा रहा है, उसे देने के मामले में इनका हलक सूख रहा हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, जिस रीज़न की वजह से ये कल रात सो नहीं पाए हैं, काफ़ी लॉस हुआ वह फील करा है कि मैंने इतनी मेहनत करी और अब मुझे देना पड़ेगा और मैं कहीं का नहीं रहूँगा या रहूँगी, उसी रीज़न की वजह से ये कल रात डिप्रेस नज़र आ रहे हैं, ये भी एनर्जीज है। ठीक है, बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ों को समझ रहे थे ये पर्सन, ये एनर्जीज है। नंबर नाइन मुझे काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच, क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए। डेथ अगेन आया है भाई, नंबर 13 बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो बेसिकली इन्हें कल रात सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ का डर रहा, इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन रही कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई, इन्होंने सब कुछ खो दिया, और वो कैसे खोया, इन्होंने खुद की वजह से इन सब चीज़ों को खोया, खुद से अपने पैरों के तले सब चीज़ों को कुचल दिया है, ऐसा इन्हें फील हो रहा था, जिस रीज़न की वजह से ये डिप्रेस्ड हो रहे थे, यहाँ पर ये है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के मामले में कल रात इनकी क्या एनर्जीज रही, गाइड कीजिए, बताइए। टेन ऑफ कप्स, तो बेसिकली ये पर्सन उस चीज़ को लेकर सोच रहे थे, खोने ख़त्म करने के बारे में जो सोच रहे थे वो था परिवार, रिलेशनशिप, फैमिली, घर, उसके विषय में ये पर्सन अपने आप को काफ़ी तन्हा, काफ़ी लोली फील करते रहे हैं कल रात, और पॉसिबिलिटी है इसे सोच सोच कर इन्होंने अपनी तबीयत भी ख़राब कर ली हो, जैसे इतना सोचने की वजह से बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया इनका, नींद तो इन्हें डेफिनेटली नहीं आई है, रोते रहे हैं ये, तो ये दिख रहा है इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला रह गया या रह गई, मेरे पास कोई परिवार नहीं है, बच्चे नहीं हैं, सपोर्ट नहीं है, तो वो इनके मन में चलता रहा, या इस ऐसा सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया, वो सब ख़त्म हो गया है, वो चीज़ें इनके मन में कल रात चली, जिस रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच, इनकी क्या एनर्जीज रही,
एट ऑफ कप्स। तो बेसिकली इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कल रात कि इन्होंने ना तेजी पकड़ ली मूव ऑन करने के मामले में, यानी कि जब ये आपकी लाइफ से जा रहे थे तो उस वक्त में इन्होंने समय नहीं लिया डिसीजंस लेने के लिए। जैसे हो सकता है जब सिचुएशन ख़राब हुई हो तो ये थोड़ा सा ये वक्त लेते उस चीज़ को लेकर सोचते, लेकिन उस चीज़ को लेकर इन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं, बहुत इंटेंसिटी से डिसीज़न ले लिया कि इन्हें आपसे दूर जाना है, इन्हें मूव ऑन करना है। फीलिंग्स इमोशंस कुछ नहीं होते हैं, बस भाड़ में जाएँ ये सब चीज़ें, ना मुझे इस कमिटमेंट में रहना है, ना मुझे इस परिवार में रहना है। और इस सोच के साथ इस पर्सन ने तुरंत इस रिश्ते का डेथ कर दिया। आपको ये जाहिर करा कि ये आपके साथ रहकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं, यानी कि सारा ब्लेम आरोप लगाकर ये आपकी लाइफ से चले गए। और उस चीज़ को लेकर इन्हें ये लग रहा था कल रात कि जैसे इस डिसीज़न को लेने में इन्होंने बहुत जल्दी कर दी, सोचा नहीं इस चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात चली जिस चीज़ को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट भी रहे हैं। ये रोए भी हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत है। पेज ऑफ सोर्ड्स के मामले में कल रात इनकी क्या एनर्जीज क्या सोच रही है गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है डेफिनेटली ये पर्सन क्योंकि कल रात सोने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, यानी कि इन्हें एक सुकून भरी नींद नहीं आ रही थी, तो ये पर्सन मोस्टली इस पर्सन ने अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही गवाया है कोई ऐसा साथी ढूंढने के लिए जो इन्हें मेंटली समझा सके कि भाई चीज़ें सही हो जाएंगी, तुम परेशान मत हो, बस अपना फोकस चेंज करो, थोड़ा सा ध्यान रखो अपना। तो ये पर्सन उस तरह की पैम्परिंग चाह रहे थे कल रात कि कोई इन्हें ऐसे पैम्पर करे, कोई इन्हें दिलासा दे, कोई इन्हें उनकी केयर करे, कोई ऐसा बंदा या बंदी इनसे बात कर ले और उन्हें बोले कि चीज़ें तुम्हारी सही हो जाएंगी। तो उस तरह का सपोर्ट ढूंढने की ये पर्सन कल रात बेहद ज़्यादा कोशिश में लगे रहे हैं। टेम्परेंस के मामले में कल रात इनकी क्या एनर्जीज की क्या सोच रही है गाइड कीजिए बताइए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है जो बेसिकली ये बता रहा है ये पर्सन ना कल रात अपने आप को इस कदर थका हुआ फील कर रहे थे कि जैसे ये अभी तक जो आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, ये और ज़्यादा नहीं लड़ पाएंगे। अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, केयर चाहिए, इन्हें बैलेंस एनर्जी चाहिए, तो वो इनके साथ हो रहा था। इन्हें अपनी तबीयत ठीक करनी है बजाय लड़ने के, क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि लड़ लड़कर थक गए हैं, बस अब इन्हें डिफेंड होना है। मतलब एक ऐसी एनर्जी थी कि अब आपके खिलाफ नहीं लड़ना चाह रहे हैं, बस ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, अपने आप को सही करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, उससे अलग इनका और कोई मकसद नहीं है। तो एक ऐसी एनर्जीज, एक ऐसी सोच में ये कल रात रहे हैं। तो अगर ये पर्सन बहुत लंबे समय से आपसे लड़ रहे हैं, आपसे काफ़ी कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे, तो ये पर्सन ऐसी एनर्जीज में थे कि जैसे अब ये थक गए हो सब चीज़ें कर करके। फाइव ऑफ कप्स, रिग्रेट वाली एनर्जीज में कल रात काफ़ी रहे कि जिसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था उसके उससे बचते बचाते फिर रहे हैं ये पर्सन, तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जिससे प्यार देना चाहिए था, जिससे प्यार मिलना चाहिए था, उससे ही अपने आप को गार्ड करते फिर रहे हैं। कैसा वक्त आ गया है, कैसे हालात आ गए हैं, जिसके साथ परिवार देख रहे थे या परिवार था उसको कुचल दिया मैंने अपनी ही मिस्टेक की वजह से, उन चीज़ों का अफसोस इन्हें कल रात काफ़ी ज़्यादा रहा है। नाइट ऑफ कप्स के मामले में कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में, किस सोच में रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है थ्री ऑफ कप्स। अपनी ज़िंदगी में से सेलिब्रेशन, खुशियाँ, प्यार, सपोर्ट, दोस्त, यार सब खो दिए हैं इन्होंने, सबका एंड कर दिया है, सबका डेथ कर दिया है। वो चीज़ें इनके मन में कल रात चल रही थी और इनके मन में ये चीज़ें भी चल रही थी कि अब क्या करना चाहिए। इन्हें कन्फ्यूज़न चल रहा था कि अल्टीमेटली अब क्या करना चाहिए, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं क्या वो वापस मिल सकती हैं, उनके मिलने की क्या कोई अब पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो वो भी इनके मन में साथ में चल रहा था। यानी कि इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी जगल कर रहे थे, काफ़ी कन्फ्यूज रहे हैं, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाह रहे थे कल रात। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए।
कर्मा इज अ बिच आई फाइनली गॉट माइंड, तो ये तो पहले ही कार्ड आया था यहाँ पे विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ, और वही पहला इनका मैसेज आ गया है। जैसे इन्हें ये फील हो रहा हो कि मैं अपना कर्मा भुगत रहा हूँ या रही हूँ, और मैंने अपना फाइनली पार भी लिया है इस तरह का कर्मा। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही थी अपना कर्मा भुगतने के बाद कि आप इनकी जन्नत थे, आप इनके स्वर्ग थे, वो भी धरती पर, यानी कि आपके साथ परिवार, केयर, सपोर्ट सब मिलता था, लेकिन वो सब चीज़ें इन्होंने बहुत जल्दी से एक्शंस लेने के चक्कर में, भागने के चक्कर में गंवा दी हैं, वो चीज़ें इन्हें फील हो रही थी। I want to touch you, ये आपको टच करना चाह रहे थे, बेसिकली ये टच आपको इसीलिए करना चाह रहे थे ताकि इन्हें ऐसा फील हो कि इनके पास कोई है इनकी केयर करने के लिए, इन्हें सपोर्ट करने के लिए, तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शन, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि अभी भी डरते हैं अपने एक्शंस के लिए, एज एन जो इन्होंने एक्शंस लिया मूव ऑन करने का, उससे ये अभी भी डरते हैं, और आपकी तरफ बढ़ने के मामले में भी अभी ये डरते हैं, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे कल रात। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें ख़राब कर दी हैं इन्होंने, उन्हें ये सही करना चाह रहे थे, ये आपसे ये कहना चाह रहे थे। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल, तो आपसे कहना चाह रहे थे कि इन्हें ज़रूरत है अब इस रास्ते को, जो ये कर्मा वाला रास्ता है जहाँ पर कोई नहीं है, उस पर अकेले चलने की, यानी कि अपना कर्मा भुगतने की अब इन्हें डेफिनेटली ज़रूरत है, यानी कि एक पश्चाताप करने वाली एनर्जीज में ये कल रात रहे। आई थिंक अबाउट यू, ये आपके बारे में ही कल रात सोचते रहे हैं, और यही आपसे ये कहना भी चाह रहे थे। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि और इनके मन में कल रात क्या चलता रहा है। सफल नहीं होते हैं तो मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि कल रात की किसी भी तरह से अब इस रिश्ते में, आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप में, उसमें किसी भी तरह से बस ट्रांसफॉर्म आ जाए, यानी कि जिन चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, डेथ कर दिया है, उसमें अब ट्रांसफॉर्म आ जाए, वो चीज़ें अब बदल जाएँ, वो भी बेहतरी की तरफ, वो भी प्यार की तरफ, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशंस को ही बताता है। ठीक है, इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो ना, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने दिल के करीब वापस से आने दो, अपने दिल के दरवाज़े मेरे लिए बंद मत करो बल्कि उन्हें खोल दो, दिमाग से चीज़ों को मत लो बल्कि दिल से देखो, मेरी गलतियों को माफ़ करके मुझे वापस से अपनी ज़िंदगी में वापस से ले लो। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं, एज एन इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि आपने अब इनके लिए जो भी दरवाजे थे उन्हें बंद कर दिया है, और अब आप उस सिचुएशन को माइंड से देख रहे हो बजाय दिल के, सोल के। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे, अपनी सोल के दरवाजे खोल दो ताकि मैं वापस से तुम्हारी तरफ आने की हिम्मत कर पाऊँ। इनके मन में ये चीज़ें भी चल रही थी कि देखो, जब दिल के मामले होते हैं तो मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि वहाँ पर कोई भी चीज़ें सही या गलत नहीं होती हैं, वहाँ पर सही होता है तो वो होता है प्यार और ज़िंदगी, जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ एक्सपेंड करनी है, और वो हम तभी एक दूसरे के साथ एक्सपेंड कर पाएंगे जब हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। जिन चीज़ों का रियलाइज़ मुझे हो रहा है, तो ये आपसे कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कल रात। ठीक है, तो एज एन बहुत सुधरी हुई एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, जैसे कि जिंदगी में क्या ट्रांसफॉर्म आया, इनकी सोच में भी जैसे कल रात ट्रांसफॉर्म आ रहा हो, तो ये एनर्जीज यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं कल रात, ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।